हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं हूं अरुण शेखर। शेखरवाणी के इस पॉडकास्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लेकर हाजिर हूं दिल से दिल तक की 10वीं कड़ी, 10th एपिसोड। क्या यह सच है? हालांकि किसी के लिए पहला हो सकता है जिसने पहली बार मेरे पॉडकास्ट को सुना, किसी के लिए दूसरा, किसी के लिए पांचवा, जिसने पूरे एपिसोड सुने हैं उसके लिए 10वीं कड़ी है, मेरे लिए 10वीं कड़ी है। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी पहेली पूछाई जा रही है। जी सच, इसी तरह की एक पहेली है और आज दिल में आया कि इसी पर बात की जाए, क्योंकि आपने एक वाक्य बहुत सुना होगा कि सच कड़वा होता है। मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा घिसा पिटा, अपने अर्थ को खो चुका वाक्य है, पर ये वाक्य बोलते समय आदमी अपने आप को बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र समझ रहा होता है। मेरा मानना है कि सच स्वाद रहित, गंध रहित होता है। सच सच होता है, वो न कड़वा होता है न मीठा होता है। और सबसे बड़ी बात कि सबका अपना अपना सच होता है, उसी की गठरी लेकर सब घूम रहे होते हैं। एक का सच दूसरे के सच से बिल्कुल मेल नहीं खाता, इसलिए इतने डिफरेंसेस, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। एक अनुभव बताता हूँ। शाम को 8 बजे के आसपास कनाडा में अपने दोस्त को कॉल किया, गुड मॉर्निंग किया उसने और मैंने गुड इवनिंग, यानी वहाँ सुबह के 8:30 बज रहे थे तो यहाँ शाम के करीब करीब 8 बज रहे थे। आप बताइए मेरा गुड इवनिंग सच है या उसका गुड मॉर्निंग। अब जिसको ये ना पता हो कि धरती सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, पृथ्वी का जो हिस्सा सूरज के सामने आता है वहाँ दिन होता है और बाकी जगह रात, तो वो व्यक्ति इस बात पर झगड़ा कर सकता है कि मेरे यहाँ रात है तुम्हारे यहाँ दिन कैसे हो सकता है। बरसात के मौसम में आप देखिए, एक ही शहर के कुछ हिस्से में बारिश होती है, कुछ हिस्से में नहीं होती। एक व्यक्ति बारिश में भीग रहा होता है, यह सच है, दूसरा सूखा है, यह भी सच है। तो इस स्थिति को स्वीकार करने वाला अपने सच के साथ दूसरे के सच का भी सम्मान करता है। इसीलिए तो कहते हैं असतो मा सद गवय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असत्य से सत्य की ओर ले चलो और अंधकार से प्रकाश की ओर। मुझे कहानी याद आ रही है, सुनाओ। चलिए सुना देता हूँ, भगवती चरण वर्मा की कहानी है। कहानी का पूरा उपन्यास है, इस पर फिल्म भी बन चुकी है, चित्रलेखा। इस फिल्म की खासियत तो यह है कि एक ही निर्देशक ने इसे 2 बार निर्देशित किया है, एक बार ब्लैक एंड व्हाइट में 1941 में और फिर कलर में 1964 में। इसके निर्देशक थे केदार शर्मा। कलर्ड फिल्म के जो कलाकार थे वो थे अशोक कुमार, प्रदीप कुमार और 1964 की इस फिल्म में गीतकार थे साहिर लुधियानवी, संगीतकार थे रोशन। इसके सभी गाने जबरदस्त हिट थे, खासकर ये वाला कि सखी रे मोरा मर उर्छे तंडोले और दूसरा मन रे तू काहे नधीर धरे। खैर ये तो थी फिल्म की बात, अब इस कहानी के क्या जरूरत थी, बात जल्दी समझ में आ जाती है इसीलिए। तो वो कहानी क्या है, जैसे कि सच झूठ होता है वैसे ही पाप पुण्य होता है। इस चित्रलेखा की कहानी यह है कि एक गुरु के 2 शिष्य होते हैं, पूछते हैं गुरु जी पाप क्या है पुण्य क्या है। गुरु जी इस बात को समझाने के लिए ऐसा करते हैं कि एक शिष्य को एक राजा के पास भेज देते हैं और दूसरे को एक ऋषि के पास। 1 वर्ष के बाद दोनों आते हैं। जो राजा के पास था उसे लगता है कि राजा बिल्कुल सही है, सबका पालन पोषण करता है, सबका ख्याल रखता है और ऋषि क्या है, जंगल में जाकर के न किसी से लेना न देना, सब अच्छा करता है। वो दूसरे की निंदा करता है। दूसरी तरफ जो ऋषि के पास से लौटा है वो राजा को भला बुरा कहता है, वो कहता है मांस मदिरा ये सब क्या क्या करते रहते हैं जीवन में, इतना ज़्यादा लिप्त है, और ऋषि को सही बताता है, पुण्यात्मा बताता है। अब इससे पता चला कि आपने जो देखा जो भोगा आपके लिए वही सच है, लेकिन समग्रता में संपूर्णता में चीज़ों को जो समझता है या समझने की कोशिश करता है वो सच के निकट पहुंच पाता है। अपनी अपनी परिस्थितियों में सबके अपने अपने सच होते हैं। कहने का मतलब ये है कि सच कड़वा होता है, ये जो मैं कह रहा हूँ कि वही सच है। इन बातों से बाहर निकलिए, सत्य की खोज अवश्य करते रहिए। आज दिल से यही बात निकली, उम्मीद है दिल तक जरूर पहुंची होगी। ये था आज का दिल से दिल तक
का एपिसोड। मिलेंगे फिर किसी नए विषय नई बात के साथ। अरुण शेखर को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए शेखर वाणी। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।